क्या आपको पता है एक घर में सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड क्या होना चाहिए? गेस करो। जी हाँ, किचन। किचन एक ऐसी स्पेस है जो घर की सबसे ज्यादा मदद करती है ऑर्गेनाइज होने में। आज मैं ये वीडियो आपको बता रहा हूं और बना रहा हूं अबाउट द किचन सिंक। उससे पहले हाय, मेरा नाम शशांक जैन है, वेलकम बैक टू माय चैनल वुडोफा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। आइए देखते हैं मैंने क्या आपके लिए बनाया और किचन के सिंक को कैसे चूज करें। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि ऑर्गेनाइज करना है अगर किचन को, तो तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो उसकी कैबिनेट्स, दूसरा उसका हॉब एंड चिमनी, और तीसरा उसका वेट एरिया, आई मीन द किचन सिंक स्पेस। सो जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस है, तो लोगों को अक्सर पता ही नहीं होता है कि किचन की सिंक कैसे लेनी चाहिए, क्या उसको वेट एरिया या ड्राई एरिया में डिवाइड करना चाहिए, और अगर कर रहे हैं तो कौन से एरिया में किस टाइप का सिंक होना चाहिए। अगर आपको किचन के सिंक के बारे में पता करना है तो ये पांच टिप्स जरूर ध्यान रखिए। सबसे पहली है कि किचन के सिंक का स्टाइल क्या है। क्या ये सिंगल बोल है, क्या ये डबल बोल है, क्या ये सिंगल बोल विद ड्रेन है या ये डबल बोल विद ड्रेन है। तो अगर आप कोई भी सिंक चूज कर रहे हैं तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लो कि सिंक का टाइप एंड स्टाइल क्या है। ये सबसे जरूरी है उस स्पेस को डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास पैरेलल शेप किचन है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सिंगल बोल ले लीजिए, क्योंकि आपकी स्पेस काउंटर खराब हो जाएगा। अगर आपके पास थोड़ी सी ज्यादा स्पेस है तो सिंगल बोल प्लस ड्रेन ले लीजिए, उसके अंदर बर्तन गीले रखने में आसानी होती है। अगर आपके पास एल शेप किचन है तो आप डबल बोल भी ले सकते हैं, क्योंकि डबल बोल थोड़ी ज्यादा स्पेस लेता है पर वो एल शेप किचन में परफेक्टली फिट हो जाता है। अगर आपकी यू शेप किचन है तो आप आराम से डबल बोल प्लस ड्रेन भी ले सकते हैं या सिंगल बोल प्लस ड्रेन सिंक भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले किचन के सिंक का स्टाइल चूज कर लीजिए, फिर आसान हो जाएगा कि किस तरीके का सिंक उसमें लगाना है। माय सेकंड टिप फॉर टुडे इज एजेस। जो सिंक की एजेस हैं उसको आपको चेक करना है कि क्या ये राउंड हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है या सेमी स्फेयरिंग टाइप्स हो सकता है। सबके अपने अपने एडवांटेजेस हैं। अगेन, ये डिपेंड करता है आपके पास किचन में स्पेस कितनी ज़्यादा है। अगर आप एक ओवल सिंक या एक राउंड एज ले लोगे तो वो ज़्यादा स्पेस खराब करता है ऑन द स्लैब। अगर आपके पास वो स्पेस हो तभी आप वो लेना, पर उससे फ़ायदा ये होता है कि कोने में जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं या छोटा गंदगी होती है वो नहीं रुकती है। अगर यही आपके पास स्पेस है तो मैं बोलूंगा कॉर्नर एजेस या जो शार्प एजेस कॉर्नर एजेस होती हैं वो आप ले सकते हो सिंक के अंदर। उससे फायदा क्या है, ये क्लीन लुक लगता है, ये थोड़ा मोर मॉडर्न लगता है, मोर ज्योमेट्रिकल लगता है और थोड़ा सुंदर लगता है। तो आजकल जो एसएस के सिंक्स आते हैं या मार्बल का सिंक आता है, दोनों के अपने अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं जो अभी मैं बात करूंगा, पर इसमें दोनों तरीके के आते हैं। सो आप एजेस कॉर्नर में भी ले सकते हो और आप एजेस को राउंड भी ले सकते हो या हल्का सा सेमी स्फेरिश या सिलिंड्रिकल स्पेस में भी ले सकते हो। सबका अपना एडवांटेज है। मेरा तीसरा टिप आज का है मटेरियल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बोलूँगा, जिसको आपको ध्यान रखना है कि आपका किचन का सिंक का मटेरियल क्या हो। फॉर एग्जाम्पल, स्टेनलेस स्टील इज़ अ वेरी कॉमन मेथड इन इंडिया एंड आई एम श्योर लोग वर्ल्ड में भी इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके भी दो तीन तरीके के आते हैं, वन इज़ 202, वन इज़ 304 एंड अनदर वन इज़ 316। सबकी अपनी कॉस्ट का डिफरेंस है और सबकी अपनी यूसेज का डिफरेंस है। तो ये एक तरीके का सिंक हो गया विच इज कॉल्ड स्टेनलेस स्टील। अब इसके अंदर भी जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया, स्क्वायर एजेस, ओवल एजेस या सिलिंड्रिकल एजेस भी आती हैं। दूसरा टाइप का सिंक आता है विच इज मार्बल लुक लाइक या मार्बल। तो जैसे कि आपने आजकल देखा होगा कि मैंने वीडियोज भी बनाए हैं, क्वार्ट्ज करके मटेरियल यूज किया जाता है ऑन द स्लैब। अगर आप क्वार्ट्ज का मटेरियल यूज़ कर रहे हो और अगर आपका बजट परमिट करता है तो आप क्वार्ट्ज का ही सिंक भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सिंक एक तो देखने में सुंदर लगता है और ओवरऑल फील को मैच करता है। ये सिमिलर कलर में भी मिल सकता है या इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री या एक कॉन्ट्रास्टिंग कलर भी आप ले सकते हो। तो ये अगेन थर्ड एलिमेंट है जो आपको ध्यान रखना है व्हाइल चूजिंग द किचन सिंक। मेरी चौथी एलिमेंट ऑफ टिप है कि अपने सिंक तो बहुत अच्छा ले लिया, बट अगेन उसके साथ टैप कैसा है। तो ये दोनों ना सिंक्रोनाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने टैप ऊपर लगाया है विच इज़ ऑन द वॉल,
तो वो टैप कैसा हो कि अगर वो सिंगल बोल है तो पानी कैसा आए और अगर डबल बोल है तो पानी कैसा आए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको किचन में वो डिशेस को धोना है, राइट? आपको सिर्फ उसमें से हाथ नहीं धोने हैं, तो आपको ये भी बड़ा ध्यान रखना होगा कि आपने जो सिंक लिया नीचे, सिंगल बोल लिया, डबल बोल लिया, सिंगल विद ड्रेन लिया या डबल विद ड्रेन बोर्ड लिया, तो उसके साथ टैप कैसा लिया, अगर वॉल माउंटेड टैप है तो कैसा है, टेबल माउंटेड टैप है तो कैसा है, तीसरे तरीके का अगर आर्म एक्सटेंडेड टैप है जिसका आर्म एक्सटेंड हो जाता है तो कैसा है। इन सब में भी जैसे मैंने बोला अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी टैप लगा दिया और वो काम सही करने लगेगा, नहीं, आपको ये टैप भी सोच के लगाना है या अपने डिज़ाइनर से पूछ के लगाना है कि मैं किस तरीके का टैप लगाऊँ कि जिससे कि बर्तन धुलने में आसानी हो। मेरा पाँचवा और आज का सबसे इंपॉर्टेंट टिप वाइल चूजिंग द किचन सिंक इज मेजर योर हाइट। तो लोग ये भी बहुत बड़ी गलती करते हैं, अगर आप डिशवॉशर लगा रहे हो तो डिशवॉशर और सिंक की ना हाइट ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि वो डिशवॉशर एक स्टैंडर्ड साइज में आता है और सिंक को आप ऊपर नीचे कैसे भी लगा सकते हो। तो जब आप सिंक चूज करो उसके साथ डिशवॉशर भी चूज कर लो अगर आपको लगाना है, जिससे कि आपका उसका लेवल और उसकी जो हाइट है वो मैच कर जाए। अगर उसकी हाइट में डिफरेंस आता है तो दो प्रॉब्लम्स हैं, पहली बात तो लुक नहीं अच्छा आता, वो एक अनइवन सा सरफेस दिखता है, एक ऐसा एलिमेंट ऑफ ब्लॉक दिखता है, और दूसरा उसमें हमेशा गंदगी फंसी रहती है। और हाइट जितनी ज़्यादा हो, आई मीन स्टैंडर्ड हाइट के मुताबिक ही होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा आपकी किचन काउंटर स्लैब की हाइट है वही होनी चाहिए, अगर वो है तो आपका किचन का सिंक का काम परफेक्ट होगा। पर इसमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप ड्राई एरिया में सिंक लगा रहे हो या आप वेट एरिया में सिंक लगा रहे हो, मैंने अपने कुछ वीडियोज़ में भी बात करी है, ड्राई एरिया मतलब किचन के अंदर है जहां पर आपको सिर्फ सब्जी धोनी है या मे बी हाथ धोने हैं। वेट एरिया वो होता है जो आपकी मेड्स के लिए है, जो आपकी मेड्स को यूज करना है, जो कि मे बी किचन के बाहर हो सकता है या एक यूटिलिटी एरिया में हो सकता है। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपके पास स्पेस कितनी है अंदर किचन में और किचन के बाहर, उसके मुताबिक आप इसे चूज कर सकते हैं, वेदर सिंगल बोल लूं ड्राई में या डबल बोल लूं वेट में। ये एक बेसिक टिप है जो मैं सबको बोलता हूं कि सिंगल बोल ले लो ड्राई एरिया में, डबल बोल ले लो आप वेट एरिया में। मेड्स वगैरह उन लोगों को आदत है दूसरे तरीके से बर्तन धोने की, तो आराम से वहाँ पर धो सकती हैं और आप अंदर उसको एक सुंदर तरीके से, एक ड्राई तरीके से अपने सिंक को मेंटेन कर सकते हो। आपको मेरे पांचों टिप्स और ट्रिक जो मैंने किचन सिंक को चूज़ करने के लिए बताए हैं अच्छे लगे हों तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए बना रहा हूँ, अगर आप अपना घर बना रहे हैं या डिज़ाइन कर रहे हैं, इंटीरियर करने वाले हैं या कर भी रहे हैं, तो आपको इन सारे वीडियो से बहुत मदद मिलेगी। चैनल पे कमेंट डाल सकते हैं, मैं उनके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा और आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। प्लीज़ लाइक मी, सब्सक्राइब मी एंड लव मी। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, शशांक जैन।